अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी होस्ट महनूर। तो जी फ्रेंड, आज अपने चैनल नबीला एक्स एंड टिप्स में वेलकम कहते हैं। तो जी फ्रेंड, आज जो है ना ओलिविया का वॉल्यूम नंबर जो है ना 8 हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमने लगाना है कलर। ये देख सकते हैं कि हमने बाउल के अंदर जो है ना जिस तरह से कलर निकाल लिया है ओलिविया का, आपके सामने ही है। तमाम जो है ना इंग्रेडिएंट्स आपके सामने ही डालेंगे कि क्या क्या मिक्स करते हैं। ये है डेवलपर जो कि हमने डाल दिया है इसके अंदर। तो अच्छी तरह से कलर हमने जो है सारा अपने बालों पर लगाना है। ये बहुत ही अच्छा इसका नेचुरल कलर नज़र आएगा, जैसे कि आप देखिए इसको अच्छी तरह से इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना, ताकि अच्छी तरह से जो है ना इकट्ठा हो जाए, मतलब कि अच्छी तरह से मिक्स आउट हो जाए कलर और डेवलपर। और देख सकते हैं कि इसको अच्छी तरह से मैश कर रहे हैं, तो आपके सामने ही क्रीमी नुमा जो है ना बनकर तैयार होगा आपके सामने। इसको अच्छी तरह से आपने जो है ना कलर करना है। देख सकते हैं ओलिविया का कलर। और ये मैं जो है ना पार्लर में मेरी मम्मा गई थी, उन्होंने अपने बालों पे अप्लाई करवाया है ओलिविया कलर नंबर 8। ठीक है, तो ये पार्लर वाली ने जो है ना इनको लगाना शुरू कर दिया है। देख सकते हैं डाय कितना ही प्यारा वो जो है ना चीर निकाल के आपने जो निकालना है। सबसे पहले आपने चीर निकालना है, दरमियान से मांग निकालनी है, और जहाँ जहाँ पर जो है ना आपके वाइट हेयर्स हैं अच्छी तरह से आपने उनको रूट्स के अंदर सबसे पहले आपने लगाना है। बाद में जो है ना आपने जो बच जाएगा वो आपने ऊपर लगाना है। ठीक है, तो बालों के ऊपर जो सबसे पहले रूट्स के अंदर लगाएंगे, क्योंकि जड़ें जो है ना ज़्यादातर जो है ना वाइट हो जाती हैं। देख सकते हैं कि कितनी अच्छी जो है ना मदद से हम लगा रहे हैं, कितनी अच्छी तरह से तरीके से हम लगा रहे हैं। देख सकते हैं कि जो है ना मम्मा कलर करवाने गई हैं सबसे पहले जो है ना। अब ये देख सकते हैं कितना अच्छा नेचुरल हेयर डाई इसका आएगा। अब वो ये देखें जो है ना, वो दोनों साइड से जो इन्होंने जो पकड़ लिए हैं बाल और कलर्स लगाते शुरू करी हैं। सबसे पहले रूट्स के अंदर लगाना शुरू किया है, और साथ साथ जो है ना वो एक तरफ बाल करी जा रही हैं, एक तरफ इकट्ठे कर देने हैं अपने बाल। तो ये देख सकते हैं जैसे डाई लगाना है, क्योंकि ये रूट्स के अंदर लगेगा तो बहुत इसका नेचुरल कलर डाई बनकर तैयार होगा आपके सामने है। ये देख सकते हैं किस तरह से हमने जो है ना ओलिविया का कलर नंबर 8 जो है अप्लाई किया। हाफ जो बालों पर लग चुका है, हाफ बाल रह गए हैं। तो अब दूसरी साइड की बारी है, और ये देखिए आपके सामने है कि हेयर डाई जो है ना लगाना शुरू कर दिया है दूसरी साइड पे, जहाँ पे हमने दूसरी तरफ मांग निकाली हुई है। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। ये वीडियो जो है ना कलर केमिकल्स जो है ना ओलिविया कलर जो है ना बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही ज़्यादा जो है ना बहुत से लोग यूज़ करते हैं। तो आप इसको नेचुरल हेयर डाई के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसमें जो है ना केमिकल बहुत ज़्यादा कम होते हैं। और भी वीडियोज़ मैंने आपके साथ शेयर की हैं, देख सकते हैं कि इससे जो है ना अच्छी तरह से नेचुरल हेयर डाई आप वॉल्यूम नंबर 8 यूज़ कर सकते हैं। इसका ब्राउनिश कलर आएगा, बरगंडी टाइप आएगा कलर इसका। ठीक है, जो पर्पल नुमा होता है ना उस तरह का ये कलर आपके सामने जो है ना दो के तैयार होंगे। कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो अब जो है ना अच्छी तरह से हम लगा लेते हैं, और देख सकते हैं कि इसको जो अच्छी तरह से रूट्स के अंदर सबसे पहले लगाना है, सबसे ऊपर लगाते जाना, ताकि अच्छी तरह से रूट्स के अंदर जो है ना कलर जज़ब हो जाए, ताकि अच्छा से अच्छा इसका कलर डाई आए। हेयर डाई कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और आपने बताना है कि कौन कौन सी नेक्स्ट वीडियो रेमेडी टिप्स आपके साथ हैक्स आपके साथ शेयर करें। ये देख सकते हैं कि मम्मा के तमाम बालों के ऊपर जो है ना कलर अच्छी तरह से उन्होंने लगा दिया है। जो कलर बच जाएगा पीछे, देख सकते हैं बालों के ऊपर, अगर आपके बालों पे भी वाइट बाल हैं नीचे जो है ना वाइट, अगर जड़ों के अंदर वाइट बाल हैं तो देख सकते हैं आप, हमने जो है ना सारे लगाने, क्योंकि मम्मा के काफ़ी ज़्यादा वाइट जो है ना हेयर्स आ चुके हैं बालों के अंदर, छोटे छोटे सर के अंदर जो है ना छोटे छोटे हेयर्स आना शुरू हो गए हैं वाइट। तो देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह जो है ना उन्होंने लगा लिया है हेयर डाई। तो जो है ना अच्छी तरह से जो है ना इसको हाथों की मदद से जो अच्छी तरह से मिक्स करना है, या आप फॉर्म भी कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे तो जड़ों के अंदर अच्छी तरह से जो है ना ये हो लग जाएगा। ठीक है, अच्छी तरह से ये देख सकते हैं लग जाएगा जड़ों के अंदर, आगे जहाँ पे आपके रूट्स जड़ें वाइट हैं वो देख सकते हैं कि पर्पल कलर बरगंडी टाइप की इसका कलर आएगा। ये देख सकते हैं बरगंडी टाइप कलर आना स्टार्ट हो गया। आई होप आपकी वीडियो आज की आपको बहुत अच्छी लग रही होगी, क्या कलर की हेयर डाई की। तो काइंडली आपने हमारी वीडियो को लास्ट तक देखना, देख सकते हैं कि कितना ही अच्छा तरह तरीके से आपको तरीका बता रहे हैं किस तरह से आपने लगाना है, और हेयर डाई कलर का कैसे लगाने का तरीका क्या है। ये देख सकते हैं
ہیں کہ اس طرح سے آپ نے لگانا ہے. سب سے پہلے جو ہے نا روٹس کو آپ نے جو ہے نا یہ مانگ لگا لینی ہے, دو سائڈوں سے درمیان سے چیر نکال لینا ہے اور سائڈ سے جو ہے نا جڑوں کے اندر سب سے پہلے لگانا شروع کرنا ہے, ایک سائڈ سے دوسری طرف سے لگانا شروع کرنا ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی آسانی کے ساتھ جو انہوں نے جو ہے نا ہیئرز اچھی طرح سے جو ہے نا میش کر دیے ہے کنگھی کی مدد سے, ہاتھوں کی مدد سے نیچے انہوں نے لگانا شروع کر دیا ہے, جڑوں کے نیچے اینڈ پہ جو ہے نا جڑیں ہوتی ہیں, روٹس ہوتی ہیں ان کی, وہاں پہ لگانا شروع کر دی. یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اچھی طرح سے جو اس میں بچا ہے مٹیریل وہ سارا جو ہے نا بالوں کے اوپر لگا دیں گے تاکہ اچھی طرح سے اس کا کلر آ جائے اور اچھی طرح سے مکس آؤٹ کر دیں گے ہاتھوں کی مدد سے. یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی آسانی کے ساتھ آپ کے سامنے ہیئر ڈائی کرنے کا طریقہ آپ کو بتایا ہے. آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگ رہی ہوگی. اولیویا کلر اس طرح سے آپ کوئی بھی ہیئر ڈائی جو ہے نا لگا سکتے ہیں. دیکھیں اچھی طرح سے جو ہے نا انہوں نے ہاتھوں کی مدد سے شاپر چڑھا لینا ہے اپنے ہاتھوں پہ, کیونکہ کلر وغیرہ جو ہے نا اپنے ہاتھوں پہ نہ آئے. تو اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھے طریقے سے جو ہے نا یہ کر رہے ہیں. اور آپ نے گریز کرنا ہے کہ پیچھے جو ہے نا گردن وغیرہ پہ نہ لگے, کپڑا وغیرہ لگا لینا. جی پھر یہاں پہ ہماری آج کی ٹپ کمپلیٹ ہو گئی ہے. ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.